भावता कुएं में गिरा हुआ रासांड कुएं में सर पोना प्रशासन के लिए बना मुसीबत। उपखंड क्षेत्र के गांव भावता में मुरलीधर बलाई की ढाणी में एक हमारा सांड कुएं में गिर गया, जिसका पता चारा लेने गई महिला बिमला को शनिवार शाम को लगा, जिसकी सूचना ग्रामीणों को रविवार सुबह मिली। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी। तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचा ग्राम विकास अधिकारी भावता हरिमोहन मीणा ने संसाधन उपलब्ध कराए तथा संबंधित विभाग को जानकारी दी, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पशु चिकित्सालय भावता से विनोद, पशुधन सहायक मानवता से पशुधन सहायक उदय प्रकाश एवं कोलवा पुलिस ने मोर्चा संभाला। सांप एवं आवारा सांड को बचाने के लिए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी, जिसको लेकर एक जेसीबी एवं हाइड्रो की सहायता लेकर सांड को सकुशल बाहर निकाला, जिसके पशुधन सहायकों ने जहर से बचाव के लिए टीके लगाए। गौरतलब है कि सांड और सर्प को निकालने के लिए कुएं में उतरने के लिए किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो रही थी, जिसको लेकर सुबह 9 बजे से इंतजार हो रहा था कि अब कोई कुएं में उतरे। ऐसे में ग्रामीण अजीत मीणा एवं लब्बा राम मीणा ने साहस दिखाते हुए आगे आए व कुएं में उतरे गए व सांड को सकुशल बाहर निकाल लिया। प्रत्यादर्शियों के अनुसार कुएं में सांप व सांड के बीच में जंग भी काफ़ी देर तक चली थी, जबकि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाइट सिग्नल है। रे डीलो मत करे, जी सर, ये जो ऑपरेशन सुबह 9 बजे से चल रहा है, इसमें आपको किस प्रकार सफलता मिली? हमने उसको सकुशल बाहर निकाल दिया है, हमारा सांड को, और निकालने के बाद मौके पर मेडिकल टीम उपस्थित थी, उसके द्वारा उसका उपचार करवा के और उसको सकुशल बाहर छोड़ दिया। जी सर, और सर्प को? सर्प को बाहर निकाल के और जंगल में छोड़ दिया है, दोनों सकुशल। जी सर, आपका नाम और सर पद? हरिमोहन मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भावता। सर, तो ये यूं कहे कि 9 बजे से, और अब सर कितना समय हो रहा है, इतने बजे तक ये ऑपरेशन सफल हुआ? हाँ, ये 9 बजे से और 3 बजे तक ये ऑपरेशन चला, उसके उपरांत हमने इनको सकुशल बाहर निकाल दिए हैं, अब कोई परेशानी नहीं है। जी सर, सर आगामी ऐसे खुले कुओं को लेकर के आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहोगे? ग्रामीणों को ऐसे खुले कुएं जो भी पड़े हैं, जिनके निजी कुएं हैं, उनको हम नोटिस के जरिए उनको सूचित करके उनको बंद करवाने की कार्रवाई करेंगे, और जो भी आबादी क्षेत्र में है उनको हम रखवाएंगे। जी सर, धन्यवाद।